Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइज, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। वैसे तो हम हमारे चैनल पर बात करते हैं नेट एग्जामिनेशन और इसके अलावा जितने भी अपडेट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर सेट एग्जामिनेशन, पीएसजी एंट्रेंसेस, बट आज की जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि छात्रित्व और हमारे करियर से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी यहाँ पर जानना जरूरी है। एक सर्कुलर एनटीए के द्वारा जारी किया गया जिसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्टूडेंट्स तक तो पहुँच चुकी है और काफ़ी तक नहीं पहुँची है क्योंकि ये जो सर्कुलर है वो आपका मार्च 3rd का था और आज हमारे पास हम 5th मार्च को ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो दो दिन से ये वीडियो डिले है। हालांकि क्योंकि स्टूडेंट डिमांड पर ये वीडियो बनानी पड़ी इसलिए 2 दिन से डिले मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। अपनी राय जरूर रखिएगा इस वीडियो पर। एनटीए के थ्रू एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ जो करा है उन्होंने उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद जो इससे रिलेटेड वीडियो है वो भी मैंने इसी पोस्ट में आगे कंटिन्यू किया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और अपने जो भी विचार है ज़रूर रखें। प्रेस रिलीज़ में इन्होंने जो बात की थी वो ये थी कि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट अ वीडियो ऑफ नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर ऑन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज सर्कुलेटिंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेयर स्टूडेंट्स आर सीन टेकिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एमिड इट्स चाओस एंड डिसऑर्डर एंड इन द एबसेंस ऑफ एनी सुपरविजन्स। अब ये तो है रही बात जो वीडियो वायरल हो रहा था उससे रिलेटेड जो भी खबर साथ में चल रही थी उसकी, अब एनटीए क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। द फैक्चुअल पोजीशन इन दिस मैटर वाज द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन शेड्यूल टुडे यानी कि उस दिन और स्टार्टेड अ बिट लेट एट नितिन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर एट 9:15 AM यानी कि सुबह 9:15 बजे एग्जाम चालू हुआ था। 174 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली लॉग इन भी किया था बट किसी वजह से 9:30 बजे क्या हुआ, बाय सम अनसर्कुलस एलिमेंट्स यानी कि कुछ जो अनैतिक लोग होते हैं उनकी वजह से इनका मानना है कि वो एग्जाम रुकवा दिया गया। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू सम ऑफ द रूम वाज स्नैप्ड बाय दीज एलिमेंट्स एंड एमिडस दच कमोशन दस क्रिएटेड द एग्जामिनेशन हैड टू बी स्टॉप एंड पुलिस हैज़ टू बी कॉल्ड और इस वजह से पुलिस बुलानी पड़ी, एग्जाम रोकना पड़ा। उसके बाद ही एग्जाम 11:15 बजे चालू हुआ वापस और 11:15 बजे की अगर हम बात करें तो उसके बाद 3 घंटे ही पूरा प्रॉपर इनका जो पेपर है वो चला है, उसमें कहीं भी कोई इशू आया नहीं है, ऐसा एनटीए ने अपनी यहाँ पर राय रखी है। अब चूँकि जो एक्चुअल फैक्ट है वो तो वही बता सकते हैं जिनका जो सेंटर है वो नितिन स्कूल में आया था कि क्या हुआ था क्या नहीं, क्योंकि एनटीए ने अपना पक्ष रख रखा है, जो वीडियो वायरल हुई उसके साथ अपना अलग पक्ष रखा गया है। हालांकि अगर हम इसके एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ बात करें पर उससे पहले एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। कुछ नहीं है यहाँ, कबाड़ होके ये पड़े हुए हैं। आ जाओ, बच्चों का पेपर चल रहा है, ये पेपर कर रहे हैं। चलो बात करो, बात करो। अरे ये कोई टीचर नहीं है यहाँ मौजूद नहीं है, कोई टीचर नहीं है सर। और आप एग्जाम दे रहे हो? किसका एग्जाम दे रहे हो? यूजीसी नेट का। क्यों, कौन से सब्जेक्ट का है? ज्योग्राफी का। कौन सी स्कूल में दे रहे हो? नितिन पब्लिक में। अरे आपस में टिप टिप के दे रहे हो? हाँ दे रहे हैं, टिप टिप के व्यवस्था। इधर देखो, ये आराम से देख सकते हैं आप। सेंटर में क्या, सेंटर में और भी कुछ दिखाते हैं हम आपको। कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं। अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, विभाग ऐप में कार्यरत परास्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है? बेटा कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम सेंटर में कोई नहीं जा सकता? मैडम बताइए कौन से सब्जेक्ट का पेपर आपका? ये आराम से एक साथ 10-10 एग्जाम दे रहे हैं। तो केंद्रीय जैसा हमने वीडियो में देखा कि जो रिकॉर्डिंग की गई है, जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हालांकि जो अब वीडियो है वो आप सभी के सामने है, आपने भी देखा और सोचा होगा। सब जानते हैं कि जब एनटीए में हम पेपर देने जाते हैं तो वो कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो पहली बात तो इस तरीके का माहौल वहाँ पर क्रिएट होना ही नहीं चाहिए। कोई फ़ोन लेकर कैसे अंदर एंटर हो सकता है? और अगर ये वहाँ की इन्विजिलेटर्स है, फैकल्टीज है जो ऐसा करवा रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली कैसा है, रॉन्ग है। हालांकि अब मतलब ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो इससे ज़्यादा आई डोंट वॉन्ट टू से। आप अपनी राय जरूर रखें कि एनटीए एक्चुअल में करना क्या चाहता है। अब तक तो यही था कि कुछ जो कॉमन ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे वहाँ पर चीटिंग का माहौल होता था, अब एनटीए जैसे इतने स्टैंडर्ड एग्जाम में भी अगर ये चीज़ें होने लगी हैं तो फिर तो छात्रों का जो भविष्य है वो हम देख सकते हैं कि काफ़ी अंधेरे में है। एनटीए जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, 6-6 महीने 1-1 साल बैक टू मतलब कंटिन्यूस उनको स्टडीज़ करनी होती है, हार्ड वर्क करना होता है, तब जाके कैंडिडेट्स का जीआरएफ निकलता है या फिर एआईआर आ रही है,
नेट एग्जामिनेशन निकल पा रहा है, पर उसमें भी अगर ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी तो फिर बिलीव बचेगा कहाँ पर? ऐसे एग्जाम्स पर भी अगर बिलीव उठता है तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। और चूंकि ये एनटीए का एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया लेवल की बात है, हालांकि चोट जो हुई वो तो जयपुर राजस्थान में हुई है, बट ये होने को कहीं पर भी हो सकती है, तो इतना कोई बड़ा मैटर है नहीं कि मतलब सॉरी इस चीज़ को हम इतना छोटा नहीं लें कि अगर जयपुर में तो हुआ है, ये चीज़ तो कहीं पर भी हो सकती है, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन का मामला है। एनटीए को भी इस चीज़ में और अपना जो स्टैंडर्ड है मेंटेन करना चाहिए। हालांकि एनटीए ने कहा है इट इज़ टू रिटेटेड दैट एनटीए स्टैंड्स कमिटेड टू हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। हम भी यही मानते हैं कि एनटीए तो काफ़ी सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बट इस तरह की गड़बड़ी होना, हाँ ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गलत है। इस चीज़ का जो भी है सॉल्यूशन प्रॉपर निकलना चाहिए। अब वो जो भी एनटीए फैसला लेती है कि क्या फैसला लिया जाएगा, वो कह रही है कि रिजल्ट आने से पहले वो चेक करवाएगी, अदरवाइज फिर एफआईआर वगैरह क्या होगी कंडक्ट की जाएगी। हालांकि ये चीज़ वन टाइम हो गया या उसका सॉल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास जो हमारी एग्जामिनेशन हमारे रिजल्ट को लेकर सेफ्टी वो आ पाएगी। अदरवाइज तो जो कैंडिडेट अपना घर बार छोड़कर बाहर रहकर स्टडीज़ कर रहे हैं, जो अपना पूरा टाइम वहाँ पर दे रहे हैं और चीज़ें ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनके सपनों के साथ तो क्लियर ही खिलवाड़ है, क्योंकि उन बच्चों का सिलेक्शन का प्रोसीजर है जो केवल टाइम पास करते हैं और जिनके पास हम कह सकते हैं कि मनी माइंडेड चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसी चीज़ें भी काम कर जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग स्पेशली अबाउट द नितिन स्कूल, आई एम सेइंग अबाउट द कंप्लीट एग्जामिनेशन जिसमें पेपर लीक होने जैसी घटनाएं, और अगर ऐसी घटनाएं हैं कि कैंडिडेट्स आसपास बैठकर पेपर दे रहे हैं, चीटिंग कर पा रहे हैं, तो फिर स्टैंडर्ड बचता ही नहीं है, फिर तो वी आर जस्ट लाइक फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड, ठीक है। उसमें भी अगर हम बड़े स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर वो चीटिंग भी नहीं होती, तो छोटे मोटे स्कूल्स में होती है। तो यहाँ पर इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या मेजर्स करने चाहिए क्या नहीं, ये पूरा एनटीए को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखें। इसी के साथ गाइज आप भी अपनी राय रखें, क्योंकि यू आर फ्री टू से अबाउट दिस, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। और ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए, बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को मालूम चले कि अब एनटीए में भी इस तरह की गड़बड़ियाँ होने लग गई हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आई होप एंड विश कि वापस मुझे कभी ऐसी वीडियो अपलोड ना करनी पड़े जिसमें हमें ये दिखाना पड़े कि कितना ज़्यादा गलत हो रहा है, चीज़ें ऑटोमेटिक सही होने लग जाएँ, स्ट्रिक्टनेस रहने लग जाए, तो काफ़ी अच्छा होगा स्टूडेंट हित के लिए।